अगर आप भी दोस्तों Redmi Note 13 सीरीज का वेट कर रहे हैं तो आपका वेट खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 21 सितंबर को चाइना में ये लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियली Redmi ने कंफर्म कर दिया है ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको बहुत जल्द इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। अब इस सीरीज में दोस्तों 3 स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। पहला होगा Redmi Note 13, दूसरा होगा 13 Pro और तीसरा स्मार्टफोन होगा 13 Pro Plus। तो ये 3 स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इनमें से एक स्मार्टफोन Redmi Note 13 Pro Plus 5G के बारे में, इंडिया में किस प्राइस पे आएगा, कब तक लॉन्च हो सकता है, क्या कुछ आपको स्पेक्स देखने को मिल सकता है, सारी चीजों पर डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इसका जो फर्स्ट लुक सामने आया दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दिखने में दोस्तों काफी प्रीमियम लग रहा है, कर्व एजेस आपको देखने को मिलेगा और ये दोस्तों लेदर बैक के साथ आने वाला है। रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए, फ्रंट में आपको सेंटर पंचोल डिजाइन देखने को मिलेगा। 9mm की थिकनेस पे आने वाला है, 203 ग्राम का होगा ये स्मार्टफोन। उसी के साथ दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाला है, स्टूडियो स्पीकर आपको मिल जाएगा, आईआर ब्लास्टर आपको दिया गया है। तो मुझे दोस्तों ये जो डिजाइन है काफी ज्यादा प्रीमियम दिखने में लगा। बाकी आपको कैसा लगा ये डिजाइन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इस बार आपको डिस्प्ले काफी कमाल का देखने को मिलेगा। इसमें आपको 6.67 इंच का 1.5 के रेजुलेशन वाला आपको एक कर्व्ड ओएलईडी डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहां आपको इस वक्त कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उसी के साथ दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलने वाला है। तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है दोस्तों काफी स्मूथ होने वाला है। और हाँ, आपको फ्रंट साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस के प्रोटेक्शन के साथ आने वाला है, यानी कि दोस्तों इस बार जो डिस्प्ले है वो नेक्स्ट लेवल का आपको मिलने वाला है। कर्व डिस्प्ले दिया गया है, हाईर रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट दिया गया है, बहुत ज्यादा प्रीमियम डिस्प्ले आपको इस बार देखने को मिलेगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस बार आपको MediaTek का लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, Dimensity 7200 Ultra, जो कि 4nm पे आता है, तो काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा। ये दोस्तों MediaTek का लेटेस्ट प्रोसेसर है, इसमें 2 कोर्स आपको Cortex A715 वाला मिलेगा जो कि 2.8 GHz पे क्लॉक किया गया है, और 6 कोर्स आपको Cortex A510 वाला मिलेगा जो कि 2.0 GHz पर क्लॉक किया गया है। इसमें आपको माली G610 GPU देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जो Dimensity 7200 है, उसी जैसा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा उसी में दोस्तों ट्विक करके इस प्रोसेसर को लॉन्च किया गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसी के साथ दोस्तों स्टोरेज और रैम की बात कर लेते हैं। तो LPDDR5 रैम का आपको सपोर्ट मिलेगा और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो मल्टीटास्किंग वगैरह में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन आप हाई ग्राफिक्स पे गेम भी खेल पाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एंड्रॉयड 13 के साथ आएगा, जहाँ पे आपको कस्टमाइज किया जाएगा MIUI 14 के साथ। बाकी आपको पता है दोस्तों Redmi के फोन्स में बहुत सारे ब्लोटवेयर्स होते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको 5000mAh का मिलने वाला है, 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा, और शायद से दोस्तों आपको बॉक्स में 120W का चार्जर मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके कैमरा के बारे में। तो रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, प्राइमरी आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा और इसमें आपको सैमसंग का HP3 सेंसर यूज किया जाएगा। बाकी जो 2 सेंसर है मेबी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या डेप्थ सेंसर होगा। फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो ये सारे आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इंडिया प्राइस की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका डिजाइन, कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, ये सारी चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अंडर 35,000 के रेंज में इंडिया में आ सकता है, मे बी 32-33 हज़ार रुपये इसका स्टार्टिंग प्राइस हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इंडिया में किस प्राइस पे आएगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लॉन्च डेट की बात कर लेते हैं, तो 21 सितंबर को ये चाइना में लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियली ये कंफर्म हो गया है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अक्टूबर नेक्स्ट महीने या फिर नवंबर वगैरह में इंडिया में देखने को मिल सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए इंडिया में कब आएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।